अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्बास भुट्टा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं भुट्टा विलेज टीवी। दोस्तों, मैं आपको तीन लालची दोस्तों की कहानी सुनाने लगा हूं। ये तीनों दोस्त अपने अपने लिहाज से बहुत लालची थे, आपस में बहुत मोहब्बत भी करते थे, लेकिन एक दूसरे का ये पता नहीं था कि ये लालची है, ये लालची है, ये लालची है। तीनों इकट्ठे सफ़र पर जा रहे थे, रास्ते में उनको एक थैला मिला, एक बैग मिला। वो बहुत खुश हो गए, यार इसमें कोई पैसा है, इस चीज़ से वो बहुत खुश हो गए। वो एक जगह बैठ कर, क्योंकि सफ़र में थे, पैदल थे, एक जगह बैठ कर उन्होंने सब ने इकट्ठे होकर उस बैग को खोला। जब उसको बैग को खोला दोस्तों, उनके खुशी की इंतहा रह गई। उस बैग में से बहुत सारा पैसा निकल आया। सब दोस्त खुश हुए, यार हम गरीब थे, चलो एक दूसरे में आपस में बांट लेंगे। दो दोस्त एक तरफ हो गया और एक दोस्त एक तरफ हो गया। अपने अपने जहनों में आप सोच रहे हैं कि दो सोच रहे हैं कि हम इसको बेचते हैं बाज़ार से, नज़दीक बाज़ार है, इसको कहते हैं कि हमें बहुत भूख लगी हुई है, कुछ पैसे इसे देते हैं कि हमारे लिए खाना लेके आए। और जो दूसरे दोस्त थे वो सोच रहे थे कि जब हम इसको भेज रहे हैं तो जब ये वापस आएगा तो हम इस पर हमला करके इसको मार देंगे, और ये जो रकम है, ये जो बैग मिला है हमें, रकम से भर हम दोनों आपस में तकसीम कर लेंगे। इस तरह हम में ये आधी आधी तकसीम हो जाएगी, जो है ना, जो रुपीस हैं, जो मनी है हमारे दो में तकसीम हो जाएगी। इधर जब वो दोस्त खाना लेने गया तो उसके दिल में लालच उभर आया कि यार मैं दोनों क्यों ना मार दूँ, ये जो दौलत है, ये जो बैग है पैसों से भरा हुआ, ये सारा मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मैं अमीर बन जाऊँगा। उसमें कई लाख थे तो उसके जहन में लालच उभरा। उसने जाके बाजार से खाना लिया। सबसे पहले खाना लेने के बाद उसने वहाँ से जहर खरीदी और उस खाने में मिला दिया। तो उधर से वो दो दोस्त प्लान बनाए हुए थे, जब ये खाना लेकर आएगा तो हम इसको मार देंगे। तो दोस्तों, इधर से ये दोस्त जो है प्लान बनाए बैठा था कि मैं खाने में जहर मिलाकर उनको दूंगा, वो खाएंगे और वो मर जाएंगे, ये सारी दौलत, ये सारा पैसा मैं अपना ले लूँगा। तो दोनों अपने अपने जगह जहन बनाए रखे थे, दोनों की लालच बहुत ज़्यादा थी। तो यही लालच दोस्तों, आप आगे पूरी कहानी सुनिएगा, पूरी स्टोरी सुनिएगा, यही लालच दोनों को मौत के मुंह में ले जाएगी। इधर जब वो दोस्त अकेला, जो दोस्त था, खाना लेकर इन दो दोस्तों के पास आया तो क्या देखता है कि वो फौरन उन पर हमला कर देते हैं। जब हमला करते हैं वो दोस्त मर जाता है। अब ये दोस्त खुश हो गए हैं, जो भाई हमारी जो दौलत है हम आधी आधी तकसीम कर लेंगे आपस में। तो दूसरे दोस्त ने कहा, छोड़ो यार, दौलत बाद में तकसीम करके पहले हम ये कर लेना, पहले हम खाना खा लेते हैं। तो उनको तो पता नहीं था कि खाने में जहर है। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने खाना खाया तो थोड़ी देर गुजरी, वो तड़प तड़प कर दो जन दोस्त भी मर गए। वो बैग जो पैसे से भरा हुआ था वहीं का वहीं रह गया। न वो उस लालची दोस्त के हाथ है, न वो उन दोनों लालची दोस्तों के हाथ है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है। दोस्तों, लालच से बचें। कोई पता नहीं होता, दोस्त रिश्तेदार जब पैसा आ जाता है उनके पास तो लालच भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस लालच की दुनिया से आप बचें। यही इस स्टोरी का सबक था कि लालच बुरी बला है। तो इसी सबक के साथ इजाज़त चाहूँगा।